भ्रष्टाचार के आरोपों में यमुनानगर में खाकी फिर दागदार, थाने का SHO और जांच अधिकारी गिरफ्तार। 2 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में SHO गांधीनगर सुभाष और जांच अधिकारी संजीव को जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार एक मुकदमे में धारा बदलने और शिकायतकर्ता के पिता का नाम निकालने की एवज में 2 लाख की रिश्वत ली थी। शिकायतकर्ता ने 2 लाख रुपए की नकद राशि जांच अधिकारी को दी, लेकिन अब तक भी ना तो धारा बदली गई और ना ही केस से नाम निकाला गया, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत यमुनानगर के SP मोहित हांडा को दी। SP यमुनानगर ने शुरुआत में सामने आए तथ्यों के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए SHO गांधीनगर और गांधीनगर थाने के जांच अधिकारी संजीव दोनों को भ्रष्टाचार अधिनियम एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। अब दोनों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। मैंने इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट करने के लिए उनसे जो है रिश्वत की डिमांड की गई थी। ये जो गांधीनगर थाने का मैटर है और गांधीनगर थाने में जो इंस्पेक्टर सुभाष SHO और जो उस मैटर के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर HC/ESI संजीव कुमार हैं, उनके द्वारा ये डिमांड की गई थी और उसकी एक प्राथमिक जांच करवाई गई। प्राथमिक जांच में जो उसमें प्राइमा फेशी एविडेंस होने पे मुकदमा दर्ज किया गया और इन दोनों एक्यूज्ड को, इंस्पेक्टर सुभाष को और HC/ESI संजीव कुमार को अरेस्ट किया गया।